तो ये हो गया लोग, हमारा फ्लाइट है, लेट्स गो, हम चलते हैं, आज जा रहे हैं, हवा को घूमने के लिए। हमारी ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, चलिए दोस्तों आज ब्लॉग ये अबरा राइड है, अबरा है और अबरा इज वेल नोन, इट इज़ अ वेरी फेमस एक्चुअली। ये एक कैनाल है और पहले के टाइम में यहीं से सारे बिजनेस हुआ करता था। इस वक्त बहुत से लोग आपको देख रहे होंगे, हमेशा ही रहते हैं एक्चुअली। तो ये चीज़ है यहाँ पे, और यहाँ पे जो लोग सी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली यहाँ पे सी व्यू, बहुत से रेस्टोरेंट हैं उसके साथ। यहाँ पे आपको मिलेगा दो क्रूज़, यानी कि आप टिकट बुक करा के आप क्रूज़ राइड ले सकते हैं, उसमें डिनर कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स का ये राइड होता है जिसमें आपको डिनर मिलता है एंड कुछ दूर ले जाके आपको घुमा के वापस लेके आते हैं। दैट इज़ वेरी अमेजिंग ट्रिप आई हैव डन बिफोर। अगर आप चाहते हो तो मैं ये ट्रिप आपको अपने आगे आने वाले ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगा। तो देखते हैं फिलहाल मैं ऐसे चल पड़ा हूँ, निकल पड़ा हूँ, जो कुछ देख सकता हूँ, जो कुछ दिखा सकता हूँ दिखाता जा रहा हूँ। तो दोस्तों आगे और भी कुछ मिलता है तो मैं आपको कैच करता हूँ मेरी वीडियो में, ठीक है। तो फिलहाल जो है ये अबरा राइड, यहाँ से अबरा राइड आप ले सकते हैं। अबरा राइड कितने का होता है ये मैं आपको बताऊँ, अबरा राइड महज 1 दिरहम का होता है और 1 दिरहम में आप देख सकते हैं छोटे छोटे बोट है, छोटे छोटे बोट हैं और ये बोट यहाँ से पकड़ सकते हैं और उसके बाद आप इस साइड से उस साइड जैसे जस्ट इन 1 दिरहम। और ये करीब 5 से 7 मिनट का ट्रिप होता है। आप देख सकते हैं वहाँ से लोग जा रहे हैं, ये रहा अबरा राइड। चलिए मैं आपको थोड़ा क्लोज लुक दिखाता हूँ, देखिए आप लोग बैठ रहे हैं और ये जो ट्रिप है इधर से ये बोट पकड़ेंगे और वो उस तरफ जाएंगे, उस तरफ का जो जगह है उसको बोलते हैं बर दुबई यानी गुबैबा। और फिलहाल ये जो है अभी फ़िलहाल हम अल सबका स्टेशन खड़े हैं, आप देख सकते हैं बोर्ड नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ पे कुछ कैफेटेरिया वगैरह है, ठीक है, कैफेटेरिया का नाम भी अल अबरा है। और इधर जो लोग दिख रहे हैं ये बोट कर रहे हैं, ये छोटे छोटे बोट्स होते हैं एक्चुअली, ये वुडन बोट होते हैं, मोटर्स के बोट मोटर्स में लगे होते हैं और ये बोट में तकरीबन बैठते हैं और इस तरह कुछ और ये जस्ट 5 to 7 मिनट का ट्रिप होता है। दोस्तों आगे अगर किसको तो वो इस अभी हम लोग पहुंच गए स्पाइस मार्केट पे, जस्ट मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं स्पाइस मार्केट है। चलिए अभी आगे हम बढ़ते हैं, ओके। तो गाइस ये देख सकते हैं अभी अल अबरा राइड जो उस तरफ था उधर से आप आके सिग्नल क्रॉस करके और इधर की तरफ जो आप बढ़ेंगे ये स्पाइस मार्केट, फिलहाल स्पाइस मार्केट ये इस तरफ भी है और ये हम इस तरह से सीधे जाएंगे। तो ये देख रहे हैं स्पाइस मार्केट, तो ये रहा स्पाइसेस, लेट्स सी स्पाइस मार्केट में हमारा पेपरिका, स्वार्मा करी और क्या क्या है, ग्रीन मसाला, हरीसा, ये तमाम अरबी इंडियन हर तरह के स्पाइसेस। बिरयानी मसाला, फिश मसाला, गरम मसाला, स्वार्मा, ब्लैक पेपर, गार्लिक, तो गाइस ये देख सकते हैं हर तरह के स्पाइसेस
चिकन तंदूरी स्वीट पपरिका, आई डोंट नो क्या है, अरबिक करी, बारबेक्यू मसाला, हॉट पपरिका एंड पप्सा, हॉट चिली, सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। ये रहा शॉप, देख सकते हैं। काफ़ी एंशियंट लुक, अमेजिंग अमेजिंग रियली अमेजिंग, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं, ये है ग्रैंड सूप डीरा, जिसको स्पाइस मार्केट के नाम से जाना जाता है। काफ़ी पुराना मार्केट, दिस इज़ द एंशिएंट मार्केट एक्चुअली, बहुत ही अच्छा मार्केट है, आप ज़रूर आ सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, हर तरह के स्पाइसेस, इंडियन अरबिक स्पाइसेस, जिस तरह के आप फूड बनाना चाहते हैं। सो फॉर यू ये अमेजिंग प्लेस है, जो स्पाइसेस लेना चाहता हो, फूड्स लवर हो स्पेशली, उसको जो ऑथेंटिक स्पाइसेस चाहिए होगा वो यहाँ मिलेगा आपको। दिस इज़ अ रियली अमेजिंग प्लेस फॉर स्पाइसेस। तो हे गाइस, ये लोकल स्ट्रीट शॉप है जहाँ पे हैट और कुछ अरबिक ड्रेसेस और कुछ अरबिक लेडी ड्रेसेस मौजूद है, यहाँ देख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, आई मीन यहाँ पे हैंड क्राफ्टेड चीज़ और तरह तरह की चीज़ें हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो स्टेशन दिख रहा है, डेरा ओल्ड सूक स्टेशन है, देख सकते हैं। पब्लिक अभी बोट की तरफ जा रही है, अबरा राइड के लिए ये बोट्स खड़े हैं। इस वक्त जो आप नज़ारा देख रहे हैं, थोड़ा रात हो चुका है, आई मीन लाइट काफ़ी डिफरेंस है, तो इस वक्त लाइट में काफ़ी डिफरेंट आपको नज़ारा आ रहा है इस वक्त का जगह। ये छोटे छोटे बोट्स यहाँ पर खड़े हैं और एग्जैक्ट ये इस पॉइंट के बाद जो है ना पानी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये कैनाल है। इस तरफ से वापस लौट रहा हूँ। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच मेरे ब्लॉग को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप यूं ही मेरे को प्यार दें, मेरे ब्लॉग पे आए, देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें प्लीज़, ताकि मैं आपको नए ब्लॉग में और भी बहुत सारी चीज़ दिखा सकूं। फ़िलहाल इसी वक्त मैं इस ब्लॉग को करता हूं एंड, ताकि नए ब्लॉग के साथ फिर नए जगह पर नई जगह आपको दिखा सकूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपकी इसी तरह से सपोर्ट की उम्मीद करता हूँ। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।